क्लास टू आज हम स्टार्ट करेंगे लेट्स रिव्यू फोर। ठीक है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन हमें मिल जाएगा, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स मिलेगा और यहाँ पे यूजेज ऑफ सन है, हमें ये लिखना है और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए से। सबसे पहले दिया है फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, द आउटसाइड लेयर ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ, जो अर्थ का आउटसाइड लेयर है वो किसका बना होता है, रॉक्स एंड मिनरल्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, आर टू मिनरल्स, तो दो मिनरल्स के नाम लिखने हैं, हम क्या क्या लिख सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर लिख देंगे। अगला देखिए, द ऑफ द सन हेल्प टू ड्राई वेट क्लोज, सन की क्या चीज़ है जो हमारे कपड़े सुखाने मदद करती है, तो क्या है वो, हीट है, यहाँ पे हम भर देंगे हीट। अगला क्वेश्चन देखिए, शैडोज आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, शैडोज कब लंबा होता है, मॉर्निंग और इवनिंग में, तो हम क्या फिल कर देंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग फिल कर देंगे। अगला देखिए क्या दिया है, सी वाला, गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है और उसके लिए हमको वन वर्ड में आंसर देना है। ए रॉक, पहला क्वेश्चन है, ए रॉक यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, रॉक का नाम लिखना है जो बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया हो जाता है, क्या लिख देंगे, मार्बल। अगला देखिए, द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन सन, सॉरी ऑन अर्थ, अर्थ पे जो हीट एंड लाइट का मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, सन होता है, यानी सन की वजह से ही अर्थ पे हीट एंड लाइट मिलती है, वह मेन सोर्स होता है। ठीक है, मुख्य स्रोत होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिविंग थिंग्स दैट मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मदद से कौन से ऐसा लिविंग थिंग है जो अपना खाना बनाता है, यानी सनलाइट की उपस्थिति में कौन सा ऐसा लिविंग थिंग है वो अपना खाना बनाता है, तो अच्छे तरीके से क्या है वो, प्लांट है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, ऑल नेचुरल थिंग्स अराउंड अस फॉर्म दिस, हमारे चारों तरफ जितनी भी नेचुरल चीज़ें पाई जाती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, क्या बनाती हैं, हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं, हम क्या लिख देंगे इसमें, इन्वायरमेंट लिख देंगे। डी देखिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, तो इसमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके लिए टू टी लिखना होगा, ठीक है, और जो गलत है उसके लिए एफ लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ग्रेनाइट इज वाइट, ग्रेनाइट वाइट कलर का होता है तो क्या हो जाएगा, ट्रू, ग्रेनाइट सफ़ेद कलर का होता है। क्वार्ट्ज इज यूज्ड फॉर मेकिंग डायल्स फॉर वॉचेज, क्वार्ट्ज का इस्तेमाल घड़ी की डायल्स बनाने के लिए किया जाता है, तो हम रॉक्स एंड मिनरल्स वाले चैप्टर में पढ़े थे कि जो घड़ी होती है उसकी डायल्स बनाने के लिए हम क्वार्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं, क्वार्ट्ज जो है क्या है, एक मिनरल्स है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, द सन चेंजेस वाटर वेपर इनटू वाटर, सन जो है वो वाटर वेपर को वाटर में बदलता है, यानी भाप को पानी बदलता है, नहीं, वो क्या करता है, पानी को भाप में बदलता है। ठीक है, पानी पे जब सन की रेस पड़ती है तो वो भाप में बदलता है, ना कि भाप पानी बदलता है, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सन इज ए स्टार, हम पढ़े थे कि सन क्या है, स्टार है, सन एंड शैडो वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सन भी क्या है, स्टार है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। राइट एनी थ्री यूजेस ऑफ द सन, हमें सन की तीन यूजेस लिखनी है, तीन उसका यूज़ लिखना है जिस जो हमारे लिए यूज़फुल है। तो क्या क्या है, सबसे पहला, सन गिव अस हीट एंड लाइट, सन क्या देता है हमें, हीट देता है और लाइट देता है, गर्मी और उजाला दोनों देता है। द सन किल्स जर्म्स दैट कॉज डिजीजेस, सन क्या करता है, जो जर्म्स जो होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, उनको किल कर देता है। ठीक है, जब सन लाइट पड़ती है जर्म्स पे तो वह किल हो जाते हैं। थर्ड यूज क्या हो गया, वी इंजॉय द सन्स वार्मथ ऑन कोल्ड विंटर डेज, और जाड़े के दिनों में हम सनलाइट का क्या करते हैं, आनंद लेते हैं, इंजॉय करते हैं, हमें सन में बैठना अच्छा लगता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, नेम वन सोर्स ऑफ मिनरल, हमें एक मिनरल्स का एक सोर्स लिखना है। ठीक है, कि मिनरल्स हमको कहाँ से मिलता है, तो मिनरल्स हमको अर्थ से मिलता है, तो अर्थ इज़ द मेन सोर्स ऑफ मिनरल। वॉट इज सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या होता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो जो सन होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ आठों ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमते हैं। ठीक है, तो यही हमारा सोलर सिस्टम होता है, जिसमें सन जो है, सूरज जो है, वह सेंटर में पाया जाता है और इसके चारों तरफ आठों ग्रह चक्कर लगाते हैं, यही हमारा सोलर सिस्टम होता है। द सन एंड द एट प्लैनेट्स दैट मूव राउंड इट फॉर्म आवर सोलर सिस्टम, द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया कि सन क्या है, सेंटर में होता है और आठों ग्रह उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, यही हमारा सोलर सिस्टम कहलाता है। हाउ इज शैडो फॉर्म, शैडो कैसे बनता है, शैडोज आर फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, ये कोई लाइट जल रही है, ठीक है, और इसमें और शैडो कब फॉर्म होगा, यहाँ से ये लाइट जा रही है, ठीक है, निकल के उजाला दे रहा है, और इसके रास्ते में यदि कुछ आ जाए तो क्या होने लगेगा, इसका शैडो इस तरफ बनने लगेगा, परछाई बनने लगेगी।
ठीक, तो शेडो कब बनता है कि जब लाइट जब जा रही है, लाइट पास कर रही है तो उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये लाइट आगे पास नहीं करेगी बल्कि इसका शेडो यहाँ बनने लगेगा, तो इसी को क्या कहते हैं, शेडो कहते हैं। शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन पाथ ऑफ लाइट, यदि किसी भी लाइट के रास्ते में कोई सामान आ जाए तभी तो क्या होता है उसका परछाई बनता है, है ना। तो क्या कहेंगे हम कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन पाथ ऑफ लाइट देन शेडो इज फॉर्म्ड, तो शेडो कब बनेगा, जब लाइट के पाथ में क्या आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई शुड वी नॉट यूज टू मैनी व्हीकल्स थिंक कैन आंसर, हमें क्यों बहुत ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट यूज टू मैनी व्हीकल बिकॉज स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स मेक आवर इंपॉर्टेंट डर्टी, क्योंकि यदि हम ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा धुआं निकलेगा और जब गाड़ियों से धुआं निकलेगा तो वो हमारे एनवायरमेंट को गंदा कर देगा, ठीक है, वो हमारे एनवायरमेंट में प्रदूषण फैलाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वेयर शुड वी थ्रो गार्बेज, हमें गार्बेज कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, तो हमें कचरा जो है वह डस्टबिन में फेंकना चाहिए, वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लेट्स रिव्यू 4 खत्म हो गया, इसमें हमने अपने पिछले कुछ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे जिसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।